सूरज की किरणों से, परिंदों के उड़ने से, फूलों के खिलने से, बड़ी बड़ी इमारतों से, उनमें बसते लोगों से, हर शहर कुछ कहता है, हर शहर कुछ कहता है, हर शहर कुछ तो कहता है। ग्रीनरी नहीं डेजर्ट, लोटस नहीं कैक्टस, सर्द हवाएं नहीं गर्म फिजाएं। जब जहन में रेगिस्तान आता है तो जुबां पर राजस्थान आता है। अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। रेगिस्तान और राजस्थान का गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कैपिटल सिटी जयपुर की। राजस्थान का कैपिटल सिटी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर इज़ वन ऑफ द वेल डिज़ाइंड सिटीज़ इन इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर शख्स, हर इंसान अपने ख्वाबों की रफ़्तार से चल रहा है, और इस तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क अपनी अलग खुशी, अपनी अलग परेशानी, एक अलग पहचान लिए खड़ा है। जैसे कि ये शहर जयपुर अपनी एक अलग पहचान लिए हिंदुस्तान के एक मज़बूत खंभे की तरह, हिंदुस्तान के एक मज़बूत पिलर की तरह खड़ा हुआ है। इट इज़ लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 1417 फीट अबव द सी लेवल। ये वो शहर है जहाँ जंतर मंतर को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन डिक्लेयर करा था। आज हम आप सबको जयपुर सिटी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम जयपुर सिटी के एक इलाके की वाटर क्वालिटी पर हमने रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की है। हम उस रिपोर्ट के बारे में आप सबको इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए बताएंगे। ये सिटी तीन साइड से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। इस सिटी जयपुर के नॉर्थ में सीकर और महेंद्रगढ़ एरिया है, साउथ में टोंक है, ईस्ट में अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर है, और वेस्ट में नागौर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। ये शहर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसका अंदाज़ा आप हवा महल से लगा सकते हैं, जो कि जयपुर की बेहद खूबसूरत इमारतों में से एक है, और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। ना सिर्फ हवा महल, बल्कि अगर हम इस शहर की खूबसूरती के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहद खूबसूरत और काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन आज हम एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वाटर क्वालिटी एसेस करती है नाई की थड़ी इलाके की, इसलिए आपको इस शहर की एक वाटर बॉडी भी दिखाते हैं, जल महल, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में शायद वाटर कैसल या फिर वाटर पैलेस भी कह सकते हैं। ये जल महल, जैसा कि आपने देखा, ये पास से कितना खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए जल महल की खूबसूरती का एक और व्यू हम आपको दिखाते हैं। कम जस्ट हैव अ लुक। जल महल कितना खूबसूरत लग रहा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ जल महल। हो सकता है
आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि रिसर्च वर्क आपने वाटर क्वालिटी पर की है, देन व्हाई यू आर शोइंग द सिटी टू अस। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये शहर जयपुर राजस्थान का न सिर्फ कैपिटल सिटी है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि राजस्थान के कई बड़े शहरों में मौजूद नहीं हैं, जैसे कि यहाँ का हेरिटेज। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये बेहद खूबसूरत अंबर पैलेस, जिसे 1592 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो यहाँ का हेरिटेज बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा नामचीन और जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं नाई की थड़ी में, जो हवा महल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, अब हम नाई की थड़ी इलाके में एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी साफ शफाफ रोड्स, अब थोड़ा थोड़ा मिट्टी, पानी, गड्ढे और टूटे टूटे मकान, ये है नाई की थड़ी का इलाका। हम ये नहीं कह रहे कि नाई की थड़ी में सिर्फ बुराई ही बुराई है, बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं नाई की थड़ी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इतनी घनी आबादी में बसा हुआ ये इलाका जहाँ पर लगभग 50,000 लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पर कितने सारे लोगों की रिहाइश है, यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर स्कूल्स है, यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट जो होनी चाहिए उससे बहुत एक्सीड कर रही है। जैसे कि हम पानी की क्वालिटी की बात करें तो इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर है जिसको पीने से यहाँ पर बसे हुए तकरीबन 50,000 लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए और इन सब चीज़ों को भी हमें तवज्जो देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी। तो चलिए अब हम आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो कि हमने इस इलाके में के लिए प्रेजेंट करी है। तो चलिए अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि हमने नाई की थड़ी इलाके के वाटर क्वालिटी के ऊपर बनाई है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। अभी तक हमने हमारे चैनल के लिए जो भी वीडियोस बनाई हैं वो या तो मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, या कोई थैंकिंग नोट या विशेस होते हैं, या फिर कोई सेकेंडरी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हम कर रहे हैं कि हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाई है, एक रिसर्च करी है, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। ये वीडियो बहुत अहम है, हो सकता है ये वीडियो और वीडियोस की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो सकता है ये वीडियो में, क्योंकि हम थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या हैपनिंग वीडियो ना लगे, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि जयपुर, जो कि राजस्थान स्टेट का कैपिटल सिटी है, यहाँ पर हवा महल से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है जिसको नाई की थड़ी कहते हैं, उसमें पानी की क्या प्रॉब्लम वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। हमने ये मुद्दा इस वीडियो में उठाया है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है, उस इलाके का नाम है नाई की थड़ी, और ये इलाका जयपुर में हवा महल से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है। इस इलाके में तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं। आज इस इलाके की वाटर क्वालिटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगर हम बात करें पानी की, तो
तो पानी एक बहुत कीमती और बेहद ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है हमारे प्लैनेट की। और क्या आपको पता है WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 80% बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पानी की वजह से होती हैं। यानी जो पानी हम पीते हैं वो या तो इन्फेक्टेड होता है या फिर कंटामिनेटेड होता है। अगर ऐसा पानी हम पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में 80% जो भी बीमारियां होंगी वो पानी की वजह से होंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहता है। जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, ये जानने के लिए मिस्टर हॉर्टन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार एक मेजरिंग स्केल डेवलप करा जिसे हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, WQI कहते हैं। इसके ज़रिए उन्होंने ये बताया कि हम ये मालूम कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए कि क्या जो पानी हम पी रहे हैं वो पीने के लायक है या नहीं है। नाइकी थाड़ी के 4 इलाकों के सैंपल्स हमने कलेक्ट करे। नंबर 1 बशीरन कॉलोनी 60 feet रोड नाइकी थाड़ी। नंबर 2 बेग साहब की कॉलोनी सैयद नगर नाइकी थाड़ी। नंबर 3 ताहिरा मस्जिद नाइकी थाड़ी। एंड नंबर 4 श्री वीर हनुमान मंदिर हनुमान बगीची नाइकी थाड़ी। इन 4 अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट्स सैंपल्स कलेक्ट करके हमने नेशनल टेस्ट हाउस जो कि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर भेजी ताकि हमें यहाँ की वाटर क्वालिटी के बारे में पता चल सके। सबसे पहले अगर हम बशीरन कॉलोनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल टेस्ट रिपोर्ट थी, टेस्ट हाउस रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से उन्होंने 14 पैरामीटर्स पर पानी की क्वालिटी को इवैल्यूएट करा था। उन 14 पैरामीटर्स में से 7 पैरामीटर्स ऐसे थे जिनकी एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रही थी जिनकी क्वांटिटी, जैसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, TDS, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 500 होनी चाहिए TDS की वाटर के अंदर। लेकिन बशीरन कॉलोनी में TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स 3760 आया। इसी तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस, ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा आई बशीरन कॉलोनी में। इसी तरह अगर हम बात करें बेग साहब की कॉलोनी की, तो बेग साहब की कॉलोनी में 14 पैरामीटर्स में से 6 पैरामीटर्स ऐसे थे जो एक्सेप्टेबल लिमिट से एक्सीड कर रहे थे। ताहिरा मस्जिद में 14 में से 7 पैरामीटर्स ऐसे थे जिनकी मैक्सिमम लिमिट एक्सीड हो रही थी। और श्री वीर हनुमान मंदिर हनुमान बगीची में 14 पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर्स ऐसे थे जो कि मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर रहे थे। अभी जैसे हमने आपको बताया इन 4 इलाकों में से किसी इलाके में 14 में से 7 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे एक्सेप्टेबल लिमिट, किसी में 5 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इन 14 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर ऐसे हैं जो कि सारी पूरी रिपोर्ट के चारों इलाकों के एक्सेप्टेबल लिमिट में आए, जैसे कलर, ओडोर, टर्बिडिटी और pH लेवल। ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आए। अब हम बात करेंगे उन पैरामीटर्स की, उन 7 पैरामीटर्स की जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट एक्सीड कर रहे थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, वो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जिसे TDS कहते हैं, वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं पानी में जो फिल्टर के ज़रिए पानी से गुजर सकते हैं। TDS हमें ये बताता है कि किसी भी पानी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डिसॉल्व हुआ हुआ है, और वो मटेरियल कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑर्गेनिक आयंस और अदर आयंस होते हैं। TDS हमें किसी भी पानी के पीने के क्वालिटी का एस्टिमेट भी बताता है कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं।
क्योंकि TDS के जरिए हमें ये पता चलता है कि पानी में कितना आयन मिला हुआ है। किसी भी पानी में अगर TDS ज़्यादा होगा तो उस पानी का टेस्ट अक्सर ख़राब होता है और हार्डनेस ज़्यादा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से TDS का हाईएस्ट डिज़ायरेबल इज़ 500 mg/L और मैक्सिमम टू मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 1500 mg/L। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से, हमारे टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से TDS मिनिमम 2370 mg/L है और मैक्सिमम 3760 mg/L तक पाया जाता है, मौजूद है। TDS के बाद हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं जो कि है कैल्शियम, CA। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेचुरल सरफेस और ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर बायोकार्बोनेट के फॉर्म में ज़्यादा होते हैं और सल्फेट और क्लोराइड के फॉर्म में कम होते हैं। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, इंडियन स्टैंडर्ड 3025 के हिसाब से वो है 75 mg/L और ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन 1993 के हिसाब से भी 17 mg/L और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2004 के हिसाब से 150 mg/L। जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम का हमारे सैम्पल एरिया नाइकी थाड़ी में, तीनों एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है, यानी IS 3025, ISI 1993 और WHO 2004, इन तीनों ने जो लिमिट बताई है उससे ज़्यादा है। जो नाइकी थड़ी के इलाके में कैल्शियम है वो है मिनिमम 119.6 mg/L और मैक्सिमम 191.6 mg/L। और अगर किसी भी पानी में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से किडनी की परेशानियाँ हो सकती हैं और किडनी के अलावा और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं अगर हम ऐसे वाटर का इस्तेमाल लंबे वक्त तक करें जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर 3 है मैग्नीशियम। पीने के पानी में Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन की परमिसिबल लिमिट 30 mg/L है, इंडियन स्टैंडर्ड 3025 के हिसाब से और सैम्पल टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से श्री वीर हनुमान मंदिर में मैग्नीशियम एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है और बाकी के 3 सैम्पल रिपोर्ट्स में मैग्नीशियम एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4 इज क्लोराइड। ग्राउंड वाटर में क्लोराइड कई वजह से आ जाता है, जैसे सॉल्ट वाटर मिलने की वजह से, घरेलू या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में मिलने की वजह से या म्यूनिसिपल वेस्ट के मिल जाने की वजह से। इसके अलावा वीथरिंग, लीचिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सॉइल्स एक्सेट्रा आर द रीजंस फॉर क्लोराइड इंक्लूजन इन वाटर। बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ के हिसाब से अगर कोई इंसान लंबे वक्त तक क्लोराइड मिला हुआ पानी पीता है तो अस्थमेटिक अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये रिस्क बच्चों में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फेट। सल्फेट इज वन ऑफ द मेजर अनायन अकरिंग इन नेचुरल वाटर। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के 1993 के हिसाब से सल्फेट पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 150 mg/L होना चाहिए। अब अगर सल्फेट पीने के पानी में मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा होता है और अगर वो पानी हम लंबे वक्त तक पीते हैं
तो उससे इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 6 इज टोटल एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी पानी की बफरिंग की कैपेसिटी बताता है। मेजरिंग एल्कलिनिटी इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ स्ट्रीम एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिडिक पॉल्यूशन फ्रॉम रेनफॉल और वेस्ट वाटर। अगर हम हमारी टेस्ट रिपोर्ट देखें तो टोटल एल्कलिनिटी चारों सैंपल्स में एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम इन चारों जगह का मीन स्कोर निकालें तो 3 times हायर है एक्सेप्टेबल रेंज से टोटल एल्कलिनिटी। पॉइंट नंबर 7 एंड द लास्ट पॉइंट इज टोटल हार्डनेस। अगर हम आसान अल्फाजों में कहें पानी में हार्डनेस उसे कहते हैं कि पानी में कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला हुआ है। हार्डनेस डिसॉल्व मटेरियल्स में ज़्यादा होती है। अगर हम बेग साहब की कॉलोनी का रिजल्ट देखें तो हार्डनेस 1000 mg/L है, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला फिगर है। आपके स्क्रीन्स पर एक टेबल है जो कि हमने नाइकी थड़ी के 4 अलग अलग इलाकों का जो सैंपल लिया था उनका मेन स्कोर निकाला है। इसके हिसाब से जो 7 पैरामीटर्स हैं जिनमें एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा वैल्यू है वो है नंबर 4 पर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो कि 6 times हायर है एक्सेप्टेबल रेंज से, 6 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 जो कि कैल्शियम है ये 2 times हायर है एक्सेप्टेबल रेंज से। पॉइंट नंबर 7 मैग्नीशियम ये भी 2 गुना ज़्यादा है, 2 times हायर है एक्सेप्टेबल रेंज से। और आप अगर क्लोराइड देखें तो क्लोराइड जो है 7 गुना ज़्यादा है एक्सेप्टेबल लिमिट से। सल्फेट भी एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है। इसके साथ साथ टोटल एल्कलिनिटी भी 3 times हायर है, टोटल हार्डनेस भी 3 times हायर है एक्सेप्टेबल लिमिट से। इस डायग्राम के हिसाब से जो कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो वाटर की क्वालिटी है नाई की थड़ी के एरिया में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए जब हम ये सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे थे उस वक्त भी हमने लोगों से बात करी और जब हमारी ये रिपोर्ट्स आ गई नेशनल टेस्ट हाउस से और जब हमने देखा कि वाटर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है तो हमने वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं पानी की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से और उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं। ये सब बात हमने उन लोगों से करी उस इलाके के अलग अलग जगह पर जाकर। आइए हम आपको वो वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं लोगों से बात करते हुए। तो आप कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं हो गया मेरे को 30 साल रहते हुए तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। जब जंगल था जब आया हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक पानी की क्वालिटी के बारे में हम एक रिसर्च करी है, एक रिपोर्ट तैयार करी है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए यहाँ पर पानी कैसा है, आप कौन सा पानी यूज़ करते हैं, कोई परेशानी है आपको पानी से मुतालिक? पानी से तो बहुत परेशानी है, यहाँ पानी जो पीता है ना उसके घुटने रह जाते हैं, बहुत परेशानी से पानी में, इतना खराश पानी है जिसकी कोई हद नहीं, कितने के तो बाल उड़ जाते हैं पानी से, बहुत दिक्कत आती है इस पानी से। अच्छा, आप बताएं आप एक महिला हैं, आपको क्या दिक्कतें आती हैं रोजाना के काम काज में और पानी की क्या दिक्कत आती है आपको? दिक्कत है ही, बहुत परेशानी पानी की, तो पानी को खरीदना पड़ता है यहाँ पर, 350 एक टैंकर है, वैसे कोई कनेक्शन नहीं नल का, तो यहाँ पर कोई परेशानी तो बहुत है पानी की, तो पानी से बहुत बीमारी भी है। अब क्या करें, एक पानी आदमी लाता है 350 rupees का, तो आदमी कोई 15 दिन भी निकालता है, कोई हफ्ते भर भी निकालता है, इससे कम तो निकालने से रहेगा, महीना भर भी निकालता है, उससे ना इंसान को परेशानी बहुत है, बीमारी बहुत ज़्यादा होगी। अमीर तो सब अपना गुंजाइश कर लेता है, गरीब आदमी कैसे गुंजाइश करेगा, कमाएगा या गरीबों को पेट पालेगा या फिर या कुछ ये जरूरतें पूरी करेगा या बीमारी का खर्चा पूरा करेगा, बीमारी इंसान ज़्यादा हो जाता है, आदमी जब खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर आदमी क्या करेगा। इतनी प्रॉब्लम है कि उसको पी तो सकते ही नहीं हम, तो या तो गाड़ी वाले से पानी लेना पड़ता है या मशीन लगाओ या वो टैंकर डलवाने पड़ते हैं,
यहाँ पे नल की लाइन नहीं है तो इस चीज की प्रॉब्लम है। पानी की कोई समस्या है यहाँ पर? तो पूरी परेशानी है, पैसे दे के खारा पानी पीने को मिलता है तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा अच्छा, तो पीने के बाद पानी आपको खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, गरीब आदमी है, बैठे रह जाते हैं बाजी वक्त, तो पानी नहीं होता तो तेरे मेरे से मंगा, कहीं हेडपम्प भी नहीं है जो उससे ले लें, खारी खारी पानी है सब। अच्छा, अगर कभी पानी नहीं होता तो आपको पानी पीने के लिए भी नहीं मिल पाता? कई बार मोल लेना पड़ता है, अब वो इतना सा कैंपर दे के जाते हैं 20 रुपए का, उसमें क्या होता है इतनी बड़ी फैमिली में। अच्छा अच्छा, आप ऐसा कुछ परेशानियां पानी की वजह से कुछ बच्चों के ऊपर कोई असर तो नहीं है? खारिश सी हो गई है, दाद हो रहा है, दाद पानी की वजह से, बाल झड़ रहे हैं, दाद हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चों के हो रहा है या? मेरी बहू के हो रहा है, मेरे लड़के के हो गया है, अब मेरे भी यहाँ हो गया है दाद। अच्छा, ये पानी की वजह से परेशानी है। ये कौन है आपके ये बच्चे? ये पोते हैं। ये आपके पोते हैं? हाँ, सब कमजोर हो गए आने के बाद, सूख भी गए, काले भी पड़ गए, बहुत परेशानी है, कभी पेट में तकलीफ कभी कुछ, ये सब पानी की वजह से हो रहा है। मेरा नाम सिराजुद्दीन खान। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं नाइकी थड़ी के इलाके में? मैं 17 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। 17 साल से। अच्छा, पानी की कोई परेशानी आपको इस दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई? पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक जनसंख्या का बड़ा वर्ग निवास करता है, लगभग 40-50 हजार लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कई समस्याएं हैं, लेकिन इस वक्त जो फिलहाल जो समस्या है सबसे बड़ी, उसमें एक तो है हमारे पानी की समस्या का इतना बुरा हाल है कि पानी यहाँ पर पीने के लिए परचेस करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है खुद। आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, मगर वो 300-400 रुपये कहीं से ला करके पानी का टैंकर मंगवाए, जब जाकर उसके पीने की व्यवस्था होती है, तो पानी की बहुत ख़राब स्थिति है। और अगर मान लीजिए कोई बोरिंग भी करवा ले तो वहाँ पर बहुत खारा पानी है, जिससे फ्लोराइड की समस्या हो सकती है और कई तरह की बीमारियां होती हैं। आप यहीं रहती हैं नाइकी थड़ी में? नाइकी थड़ी में रहते हैं भाई साहब हम तो। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है, कोई जमीन अमीन कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पर? मान तो बहुत साल होगी भाई। अच्छा, यहाँ पर पानी की कोई समस्या आपको है? हाँ, पानी तो नहीं है यहाँ पर। क्या परेशानी है पानी की? बहुत परेशानी है पानी की तो वहाँ पर। जैसा कि आपने इन इंटरव्यूज में देखा, हम लोगों से, बाहरी लोगों से, कई सारे लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि पानी की वजह से उनके बाल ख़राब हो गए हैं, उनकी हड्डियों में तकलीफ हो रही है। कुछ लोग जो शहर से माइग्रेट करके उस इलाके में आए थे, क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा दूरी पर इलाका है, जो लोग शहर से माइग्रेट करके उस इलाके में आए थे, उन लोगों के बच्चे जो है वो पहले काफ़ी सेहतमंद थे और बाद में उन बच्चों की सेहत कैसी हो गई, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं बच्चे। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये रियल प्रॉब्लम है उन वहाँ ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की, और इन प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इन प्रॉब्लम्स को उठाना बेहद ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब हम आपको एक और टेबल के ज़रिए, जो कि आपके स्क्रीन्स पर है, उसके ज़रिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को, जो कि नाइकी थड़ी के एरिया में पानी में है, उनको कैसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम TDS की बात करते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो हैं, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ भी लिमिटेड हो जाती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो हम सजेशंस में हम ये कह सकते हैं कि हम इसको कैसे कम करें TDS को। हार्डनेस मिनरल्स कैन बी रिड्यूस्ड इन वाटर फॉर द होल हाउस टू मेक इट सॉफ्टर बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कार्बोनेशियस और ऑर्गेनिक बेस एक्सचेंजेस। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर कैल्शियम पानी में ज़्यादा होता है तो उसमें किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो है पॉइंट ऑफ यूज़ रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिस्टिलिंग डिवाइसेस। दिस विल बी द सजेशन टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द वाटर। थर्ड पॉइंट इज मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम को हम डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डियोनाइजेशन के जरिए हम पानी में से कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और डियोनाइजेशन के जरिए क्लोराइड को भी हम पानी के अंदर से कम कर सकते हैं। सल्फेट को भी हम इसी तरीके से पानी के अंदर से कम कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए। लेकिन टोटल एल्कलिनिटी है उसको, इसको हम कम कर सकते हैं डिल्कलाइजर, कूलिंग सिस्टम, बॉइलिंग और हीटिंग के जरिए हम कम कर सकते हैं। पानी की जो टोटल हार्डनेस है उसको हम वाटर सॉफ्टनर ट्रीटमेंट ऐड करके हम कम्युनिटी लेवल पर कम कर सकते हैं। ये थे सजेशंस जिसके ज़रिए हम हमारी पानी की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके स्क्रीन्स पर एक और डायग्राम है जो बताता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन एट कम्युनिटी लेवल। ये भी अगर हम फॉलो करें तो उससे भी पानी की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब हम इस रिपोर्ट के एक बहुत अहम हिस्से को एड्रेस करेंगे और वो अहम हिस्सा है डॉक्टर की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले हमने नाई की थड़ी के इलाके में एक मेडिकल कैंप लगवाया था जिसमें उन्होंने बच्चों के मेडिकल चेकअप्स करे थे डॉक्टर ने, टीम ऑफ डॉक्टर्स ने। जब उस मेडिकल कैंप की रिपोर्ट आई तो वो मेडिकल कैंप की रिपोर्ट आपके स्क्रीन्स पर भी है। उसमें डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी जैसे अनीमिया जो कि वॉर्म्स की वजह से होता है, डेंटल कैरीज, स्केलिंग, स्किन डिजीज़, एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस करी कि ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर पाई गई। डॉक्टर ने ये रिपोर्ट में लिखा कि ये सब बीमारियां शायद कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद हमने सोचा क्यों ना इस इलाके के पानी की क्वालिटी को एसेस कराया जाए। हमने सैंपल्स 4 अलग अलग जगह से लिए और नेशनल टेस्ट हाउस भेज दिए। जब नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को हमने फिर से डॉक्टर्स की एक टीम के पास भेजा और उनसे कहा कि आप इस रिपोर्ट को स्टडी करके बताइए कि पानी में जो जो कंटामिनेशन है उसकी वजह से लोगों को क्या नुकसान हो सकते हैं। और जो डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट बनाई वो और भी हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली थी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, टोटल एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा हैं नाई की थड़ी के पानी के अंदर। तो डॉक्टर्स ने बताया अगर ऐसा पानी कोई भी इंसान ज़्यादा वक्त तक अगर इस्तेमाल करता है तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ लिवर टॉक्सिक्स हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकते हैं, ज़िंदगी को थ्रेटन करने वाले डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि कैंसर। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि डॉक्टर्स की टीम ने ये कहा कि अगर ये पानी कोई इंसान, कोई शख्स ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल करेगा तो उसको कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकती है। उसके अलावा बोन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, बोन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ में क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ मिसशेपन हो जाती हैं और मैलफॉर्म्ड हो जाती हैं। हड्डियाँ मिसशेपन यानी आपकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं जैसा कि हमने अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि एक खातून है, उनके हाथ में, उन्होंने बताया कि उनके हाथ में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो गए हैं, खुजली होती है उनको बहुत ज़्यादा। और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके फैमिली में, उनके परिवार में रहने वाले और भी बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत सारे स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से। प्रेजेंस ऑफ अमीबा, ई कोली ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली इंसानों में या फिर एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होता है। सिस्ट, वॉर्म्स, अनीमिया, एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं, एपिलेप्सी ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से इंसान अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है।
टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसके अलावा जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, जिसमें हमारा बॉडी और हमारी आँख, आँखों का जो वाइट एरिया है वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, ये भी कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जब हम साफ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, जो पानी के अंदर मिनरल्स है वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन ब्लूइश कलर की होती है, नीले नीले से रंग की होती है, और इसकी वजह एक ये भी होती है कि जो बच्चे का हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि नीले नीले से होते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ये भी कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम के होने के भी चांसेस हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया आपकी स्क्रीन्स पर भी कि डॉक्टर्स ने इतनी हैरान कर देने वाली बीमारियां बताई हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर, बोन डिजीजेस, जॉइंटस, ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह। ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट है ये बेहद चौंका देने वाली है, और ये ऐसी रिपोर्ट है, और जो रिपोर्ट हमने भी बनाई है वो भी ऐसे रिपोर्ट है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए, जिसके ऊपर लोगों को बोलना चाहिए कि हमारे आसपास के इलाकों में ऐसा पानी भी नहीं है जिसको पीना तो दूर की बात है, जिसको लोग नहाने में या डोमेस्टिक यूज़ में भी इस्तेमाल कर सके। ये बहुत फिक्र का मौजू है, और ये हम सबको, हमारी ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को एड्रेस करें, उन परेशानियों को उठाएं, ताकि जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल रही है उनको भी उसका हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। पानी एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि हर इंसान को मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा पानी पीने के लिए मोहताज ना हो, किसी का किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि आपने देखा कि नाई की थड़ी में रहने वाले लोग कितना परेशान हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको उस चीज़ के लिए जो कि उनकी बेसिक नेसेसिटी है, पानी। ये इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते हम सब का फ़र्ज है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, जिस भी तरीके से उठा सकते हैं हम ऐसे मुद्दों को उठाएं जिससे कि हमारे आसपास में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। हो सकता है हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, हमारे छोटी छोटी सी मेहनत और छोटे छोटे से कदम उनको एक नई ज़िंदगी, उनको एक नई रोशनी और उनको एक नए सूरज की किरणों की उम्मीद ज़रूर दिला सकता है। न सिर्फ उम्मीद बल्कि उनके लिए एक नया सूरज ज़रूर पैदा कर सकता है। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या कोई आपके आसपास ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमको बताइए ताकि हम कोशिश करें कि ये दुनिया, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। थैंक यू। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम। नमस्कार, मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, और आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर समरा सुल्ताना जी। इन्होंने अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, और महिला उत्थान हो या फिर बच्चों की शिक्षा जैसे कार्य या फिर समाज के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य, इन्होंने सभी को बखूबी उठाया है और सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही है, और उम्मीद है कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी।
तो बात करते हैं डॉक्टर समरा सुल्ताना जी से कि इन्होंने अभी क्या रिसर्च की है जो कि समाज के बहुत काम आने वाली है। जी डॉक्टर समरा सुल्ताना जी, आपने अभी नाइकी थड़ी यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या को उठाया है जो कि समाज के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है? थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करी है जी। और हमारी रिपोर्ट का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड इट्स सूटेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज नाइकी थड़ी एरिया ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम आसान अल्फाजों में कहें, आसान लफ्ज़ों में कहें तो नाइकी थड़ी जो इलाका है जयपुर में, यहाँ के पानी, पीने का पानी क्या वो पीने के काबिल है या यहाँ पर जो पानी है क्या वो इस्तेमाल के लायक है या नहीं, हमने इस पर एक रिसर्च करी है। तो आपकी इस रिसर्च में क्या सामने आया है कि जो समाज को फ़ायदा पहुँचाए, और सच में इस रिसर्च में कुछ निकला कि हाँ ये सच में बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की? अच्छा, तो हमने सबसे पहले नाइकी थड़ी के इलाके के चार, ये जो पूरा एरिया है नाइकी थड़ी, इसके चार इलाकों के सैंपल्स कलेक्ट करे। नंबर वन इज बशीरन कॉलोनी 60 फीट रोड, बेग साहब की कॉलोनी, ताहिरा मस्जिद एंड श्री वीर हनुमान मंदिर, ये चार जगह के हमने सैंपल्स कलेक्ट करे। और इन चारों जगह के सैंपल्स कलेक्ट करके हमने नेशनल टेस्ट हाउस जो कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है वहाँ पर टेस्ट के लिए भेज दिए। जब नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट आई तो उन रिपोर्ट में उन्होंने पानी की क्वालिटी को 14 पैरामीटर्स, 14 ऐसी चीज़ें थी जिनसे उन्होंने पानी की क्वालिटी को मेजर करा था। तो उस रिपोर्ट में किसी इलाके में 7 चीज़ें ऐसी थी जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से 7 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, कहीं पर 5 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, कहीं पर 6 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, और कुछ फिगर्स तो बहुत चौंका देने वाले थे। जो 14 पैरामीटर्स थे उनमें से जो 7 पैरामीटर्स थे जो कि ज़्यादातर जगहों पर जिनमें मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर रही थी वैल्यू, वो थी TDS जिसे हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहते हैं, और एल्कलिनिटी, टोटल एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और क्लोराइड, ये 7 चीज़ें ऐसी थी जिनकी जो फिगर्स थे वो एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा थे। अब इन 7 चीज़ों में से भी हम आपको 2 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जिसे हम TDS कहते हैं। TDS जो नेशनल टेस्ट हाउस जो कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, उसने जो TDS का एक्सेप्टेबल रेंज बताया है वो है 500 mg/L, और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने TDS बताया है कि हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो TDS की है वो 500 mg/L है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सेप्टेबल लिमिट 1500 mg/L है। लेकिन हमारे रिपोर्ट में जो हाईएस्ट TDS आया वो 3760 mg/L आया, जो कि 6 गुना ज़्यादा था एक्सेप्टेबल लिमिट से। तो ये बहुत चौंका देने वाला फिगर था कि TDS 500 mg/L नेशनल टेस्ट हाउस कहता है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, और हमारा 3760 आ रहा था फिगर। अब अगर किसी भी पानी में TDS ज़्यादा होता है, हम थोड़ा सा टेक्निकल आपको टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, अगर TDS किसी भी पानी में ज़्यादा होता है तो उस पानी की हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, उस पानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, और लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी होता है उससे। अब लैक्सेटिव इफ़ेक्ट से क्या होता है, किसी भी इंसान को स्टमक क्रैम्प्स होने लगते हैं, उसके अलावा डिहाइड्रेशन होने लगता है, और ऐसा फील होता है जैसे कि हम बीमार सा महसूस करने लगता है कोई भी इंसान। तो TDS से ये सारे नुकसान होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम पॉइंट नंबर 2 हम लेंगे क्लोराइड को। क्लोराइड भी पानी में बहुत ज़्यादा पाया गया, लेकिन जो नेशनल टेस्ट हाउस है वो कहता है कि TDS किसी भी पानी में 200 mg/L होना चाहिए, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1800 समथिंग कुछ पॉइंट 1 करके आया क्लोराइड। तो क्लोराइड 7 गुना ज़्यादा था एक्सेप्टेबल लिमिट से। अब अगर किसी भी पानी में क्लोराइड, ऐसा पानी जिसमें क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसको लंबे वक्त तक इस्तेमाल करते हैं
तो ऐसे पानी के लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से एस्थमेटिक अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये खतरा बच्चों के अंदर तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे फिगर्स थे जो कि हमने शायद सोचा नहीं था कि पानी में हमें जरूर पता था कि पानी कंटामिनेटेड वाटर है यहाँ का, लेकिन इतना ज्यादा खराब पानी है ये हमने अंदाजा नहीं लगाया था। ये नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला। अब अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम चाय पीते हैं तो एक कप चाय में ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच शक्कर डलती है, या उससे ज्यादा अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा पीता है तो डेढ़ चम्मच या दो चम्मच शक्कर पिएगा वो इंसान। लेकिन अगर एक कप में कोई 7 चम्मच शक्कर मिलाएगा और वो रोजाना पिएगा तो डायबिटीज का खतरा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यही सूरत हाल पानी की है कि वो इतना कंटामिनेटेड वाटर अगर यहाँ के लोग पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे बोन्स की बहुत सारी, उसके अलावा दांत खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, ये सब बीमारियां होना तो लाजमी है। तो ये हमारे टेस्ट रिजल्ट में निकल कर आया कि यहाँ का वाटर बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है। जैसा आपने बताया कि चाय में अगर चीनी इतनी डाले तो वो मुझे नहीं लगता कि वो चाय चाय रहेगी, मतलब उसको हम चाय बोल भी सकते कि ये चाय है। तो ये पानी भी मुझे नहीं लगता कि ये फिर पानी है जब इसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो आपकी इस रिसर्च में क्या ऐसा कुछ सामने आया कि अब इससे कुछ फायदा पहुंचेगा यहाँ रहने वाले लोगों को जो इतने टाइम से इसी पानी को कंज्यूम कर रहे थे, इसी पानी का यूज कर रहे थे, तो अब इस रिपोर्ट से क्या फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, हमने कोशिश तो ये करी है कि यहाँ पर जो पानी की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, लोगों तक पहुँचाए। अब हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि ये रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक जाए, हमारे लीडर्स तक जाए, ताकि यहाँ की जो पानी की जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल सके। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटी नहीं है, जैसे हॉस्पिटल और स्कूल, शिक्षा। तो आपने मेन ये पानी का मुद्दा ही क्यों उठाया, ये पानी पर ही रिसर्च करना क्यों समझा कि अभी इसी की जरूरत है? अच्छा ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये थोड़ी एक लंबी कहानी है जी। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले हमारे वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दीदी साहब ने नाई की थड़ी इलाके में एक स्कूल खोला जी। अब स्कूल में जब हम पेरेंट्स से और स्टूडेंट से मुलाकात करते थे तो हम काफ़ी वक्त तक मुलाकात करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चों में के दांत थोड़े अलग हैं नॉर्मल बच्चों से, और कुछ कुछ बच्चों के बालों का कलर भी थोड़ा और वो अलग सभी है। के लगे आपको तभी नोटिस में आया होगा कि एक दो नहीं, मतलब बहुत से बच्चों के। हमें याद है हम पहली बार जब एक बच्ची एडमिशन के लिए आई थी तो हम स्कूल से जा रहे थे और हमको वो पार्किंग एरिया में वो बच्ची मिली थी, तो हमें फर्स्ट टाइम ही हमें वो बच्ची के दांत अजीब से लगे थे। तो हमें लगा कि हो सकता है किसी किसी बच्चों को होता है प्रॉब्लम, लेकिन फिर अक्सर हम सबका नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, बालों में प्रॉब्लम है और क्या हेल्थ इश्यूज है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो जाहिरी तौर पर दिखने में जो लगा वो जनरली व्हेन यू टॉक टू समबडी आप दांत पर आपकी निगाह जाती है, तो हमें दिखा कि दांतों में काफी प्रॉब्लम है बच्चों के। जब हमने वो देखा तो हमने स्कूल के स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप कराया। जब हमने स्कूल के स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट भी करा कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, इस कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं अगर वो 10 से 15 साल तक ये पानी लगातार पीते रहे। तो जब उनके लिए रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमने फैसला करा कि हम एक रिसर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ के पानी का क्वालिटी क्या है, कितना कंटामिनेटेड वाटर है भी या नहीं है। तो इसलिए हमने ये हमारे जहन में आया कि पानी के ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि पानी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी होती है, एक जरूरत होती है इंसान की। दिन में न जाने कितनी बार हम पानी पी लेते हैं और उसके बिना शायद नहीं, उसके बिना रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है किसी। और यहाँ का पानी पानी जैसा है ही नहीं, पानी तो कह ही नहीं सकते इसको। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है, तो आप ऐसा क्या बताएंगे कि पानी जैसे लोगों को फायदा हो, कि पानी को बेहतर कर सके वो? ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ होता है, आरओ टेक्नोलॉजी के जरिए हम पानी में से मेजॉरिटी ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो बाहर निकाल देते हैं और उससे पानी को बेहतर बना देते हैं। इसी तरीके से
डिस्टिलर डिवाइस हम लगा सकते हैं, उससे पानी को बेहतर बना सकते हैं। वाटर डिस्टिलर क्या करता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, पानी को एक भाप बना देता है, और उसके बाद वो उसमें से पानी में से फ्लोराइड, लेड और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, कंटामिनेशन वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं पानी में से। इसके अलावा डेल्कलाइजर कूलिंग सिस्टम के ज़रिए का वाटर ट्रीटमेंट एट कम्युनिटी लेवल, इन सब के ज़रिए हम पानी में से कंटामिनेशन को कम कर सकते हैं। कई बार हम बिल्कुल कंटामिनेशन ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन सब चीज़ों से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका कंटामिनेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे बेहतर जो हमारा मशवरा या राय होगी वो ये कि गवर्नमेंट को यहाँ पर एक मीठे पानी की लाइन देनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से वो बच सके और उनके पास पीने का और इस्तेमाल करने का बेहतर पानी मुहैया हो सके। आपको हम बताएं यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं, 40 से 50,000 की आबादी यहाँ पर है। अब इतने ज़्यादा लोगों के लिए इतना बड़े बड़े कम्युनिटी लेवल पर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये कि शायद किसी भी एनजीओ के लिए भी हो सकता है मुश्किल हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर पानी की, मीठे पानी की लाइन दे। लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप कुछ ऐसे उपाय हैं कि घरेलू तौर पे लोग खुद कर सके कि पानी को थोड़ा पीने लायक बना सके वो? सबसे ज्यादा बेहतर तो हमारे हिसाब से शायद आरओ होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके जरिए हम पानी को बेहतर बना सकते हैं। बॉइल कर भी, फिल्टर करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं। जी, तो इस क्षेत्र में जो ये पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, तो आज से पहले क्या किसी ने उठाया नहीं इस मुद्दे को कि यहाँ का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है और लोग कब से पीते आ रहे हैं? हमने कुछ लोगों से बातचीत करी थी हमारे रिसर्च वर्क के दौरान, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वो 30 साल से इस इलाके में रह रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके गुठलियों में तकलीफ होने लगी है, कई लोग ऐसे हैं जिनके जिनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, जिनके बाल खराब हो गए हैं। तो इतने सालों से लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने बेशक उन्होंने उनके जो लीडर्स होंगे, जो भी उनके पास आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उनको बताया, लेकिन उसका हल अभी तक नहीं निकला। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लोगों ने वर्बली कहा है गवर्नमेंट से भी और बाकी लोगों से भी, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी ने रिसर्च करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सबूत के साथ बात पेश करनी है। जी 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 जी, कि अभी तक कहा है कि हाँ पानी देखने में गंदा है, उनको पीने में महसूस हो रहा है कि गंदा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस हद तक खराब है वो पानी। जी बिल्कुल। तो हमने क्योंकि किसी ने भी रिटन वर्क नहीं करा था यहाँ पर कि एक पूरा प्रॉपर जो पानी है उनको अलग अलग जगहों से लें, उसको टेस्ट कराएं, और फिर टेस्ट डॉक्टर से मेडिकल चेकअप्स कराएं लोगों के, फिर उसके बाद उससे एक रिसर्च पेपर लिखें। तो रिसर्च पेपर फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये तो थी पानी की समस्या। अगर पानी की समस्या का समाधान हो जाता है, और होना भी चाहिए, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मतलब पानी की समस्या के बाद ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ है यहाँ पे जो कम है या जो मुद्दा है यहाँ पे कि जो सही होनी चाहिए? अच्छा, जब से हमने काम करना शुरू करा है, हम एजुकेशन पर काम करते हैं। जी, ये ऐसा पहला काम था जो हमने एजुकेशन से हटकर करा, पानी की प्रॉब्लम को, लोगों के पानी की प्रॉब्लम के मुद्दे को उठाया है। जी, तो अगर कोई भी ऐसी परेशानी जो लोग अगर हमारे सर्विसेज के ज़रिए अगर किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी भी लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, एंड आई एम रेडी टू गिव माय सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो फिलहाल यहाँ पर पानी की ही समस्या बनी हुई है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा भयंकर भी है कि यहाँ पर पानी इतना ख़राब है कि लोग बीमार भी हो रहे हैं उससे। जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को और जो वीडियो देख रहे हैं उनको, कि अगर किसी भी एरिया में पानी की समस्या हो तो वो किस तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या ऐसा कदम चाहती है गवर्नमेंट से कि वो कुछ स्टेप तो ले यहाँ पे कि थोड़ा बहुत तो हो पानी की समस्या का समाधान? हम लोगों से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ना सिर्फ पानी की मगर बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिससे आपको, जो आपके ज़िंदगी के लिए बेसिक ज़रूरत हो, आपको अगर उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि आप गवर्नमेंट से कहें, आपके आसपास जो एनजीओज़ हैं उनसे कहें,
और आपके लीडर से कहें, उनको बताएं कि आप ये परेशानी फेस कर रहे हैं, और हम और भी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को, जो लोग एजुकेटेड हैं या जो लोग ऐसे मुद्दों को, ऐसी बातों को उठा सकते हैं, तो वो इस चीज़ पर तवज्जो दें और उन लोगों के लिए काम करें। यू हैव टू गिव योर सर्विसेज फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। तो देखा आपने नाई की थड़ी, यहाँ पर पानी की समस्या कितनी भयंकर हो रही है कि पानी ऐसा खराब पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की स्किन प्रॉब्लम हो रही है, उनके दांत खराब, बाल खराब हो रहे हैं, और भी ना जाने कितनी प्रॉब्लम उनको हो रही है जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो डॉक्टर समरा सुल्ताना ने आपको बताया कि यहाँ पर पानी की कितनी समस्या है और उसके लिए क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो बस रिक्वेस्ट है कि यहाँ की पानी की समस्या जल्द खत्म हो जाए। Thank you.
Thank you.